दोस्तों आज हम आ गए हैं हुंडई का जेनेसिस G90 का रिव्यू करने। इसका अभी असेंबली चाइना में हो रहा है और ये व्हीकल आप चाइना में ही देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है सामने फ्रंट से लेकर पीछे तक और बाहर से लेकर अंदर तक। सोफिस्टिकेशन एकदम ज़बरदस्त है इस गाड़ी में। गाड़ी का एक्सटेंशन देखिए एकदम से लाजवाब। इसको आप हुंडई का रोल्स रॉयस भी बोल सकते हैं। डिज़ाइन तो अच्छा है ही और व्हील्स का जो डिज़ाइन है स्पेसिफिकली वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। देखिए एकदम बड़ा ही अच्छा लग रहा है दिखने में वाइट कलर में। गाड़ी काफ़ी लंबा है 5 मीटर से ऊपर का है। आइए बूट खोल के देखते हैं। तो बूट में लगभग 550 लीटर का स्पेस है, काफ़ी बड़ा है हिसाब से। और पीछे आपको पावर टेलगेट मिलता है। एकदम वाइट लेदर में आपको फुल टूल्स दिया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में। सोफिस्टिकेटेड वाइट परफोरेटेड लेदर सीट काफ़ी कंफर्टेबल है दिखने में और बैठने में भी। चलाने में भी गाड़ी हम आशा करते हैं काफ़ी अच्छा होगा। यह दरवाजे में लेदर और वुडन फिनिश दिया गया है और आप देख रहे हैं दरवाजे में मेमोरी फंक्शंस भी अवेलेबल है इस गाड़ी में। सबसे पहले हम आपको पीछे लेकर के बताएंगे कि पीछे कंफर्ट कैसा है, क्योंकि यह एक लग्जरी गाड़ी है तो ज़्यादातर लोग पीछे ही बैठते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिया गया है। हर तरीके से काफ़ी एलिगेंट ये लुक देता है। और यहाँ पे देखिए डोर में स्पीकर्स, डोर माउंटेड कंट्रोल्स, मेमोरी सीट, सबका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है विथ लेदर सीट परफोरेशन। पीछे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम टीवी भी दिया गया है। और ये देखिए सीट्स को आप रिक्लाइन कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से और कंफर्टेबल तरीके से आप कर सकते हैं। फुल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पीछे सीट दिया गया है। हम जिसे एकदम बोलते हैं एकदम फर्स्ट क्लास लग्जरी कार, बैठोगे तो नींद आ जाएगा एकदम। पीछे बैठते ही आपको थकान सब दूर हो जाएगा। अब सामने देख सकते हैं कई तरीके से अच्छे अच्छे कंट्रोल्स दिया गया है। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है आपको। उसके साथ ही वॉल्यूम, मीडिया, फ़ोन कट ऑफ और हर तरीके के फीचर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, EBS, EBD, ESP, ब्रेक असिस्ट, सब सिस्टम आपको इसमें उपलब्ध करवाया गया है। डुअल स्टेज ऑटोमेटिक एयरबैग्स आपको इसमें मिल जाता है। अब देख सकते हैं MIT में हर तरीके के कस्टमाइजेबल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। फिलहाल ये चाइनीज़ में है क्योंकि चाइना में गाड़ी अभी लॉन्च हो चुका है और उसी वेरिएंट ग्लोबल ही दिखाया जा रहा है। जब राइट व्हील ड्राइव मार्केट में ये गाड़ी लॉन्च होगा तभी ये इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। फिलहाल तो ऐसा ही उम्मीद किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे वुडन इंसर्ट्स दिए गए हैं, दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और सभी के सभी रियल वुडन इंसर्ट्स हैं। बीच में बड़ा सा 10 इंच का एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है नेविगेशन, ऑक्स, मीडिया, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। पीछे से भी रिमोट से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बीच में जो एनालॉग वॉच है वो भी काफ़ी एक अच्छा सा लुक दे रहा है। तो आप हमें बताइए नीचे कमेंट्स में कि गाड़ी आपको कैसा लगा और आपका क्या राय है, क्या आप इसे परचेस करना चाहेंगे इंडिया में लॉन्च होने के बाद, हमें नीचे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।